संतुलित हो जाती, क्योंकि है ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है। ये जो अभी जापान ने इसका इनोवेशन किया है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र रावत और मैं राइज विद रविंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिमें विद्यालय शिक्षा विभाग विकासखंड पोखरी के स्टॉल पे खड़ा हूं और यहां से मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से हमारे जो क्रिएटिव टीचर्स हैं, उन्होंने तरह तरह के जो मॉडल बनाए हैं छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए, और किस समर्पण के साथ वे अपना अध्यापन करते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में सरकारी शिक्षकों की तस्वीर जो गढ़ी गई है वो कितनी निराधार और कितनी निर्मूल है, और वास्तव में सरकारी विद्यालय में कितना काम हो रहा है। तो मैं सारे मॉडल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और हमारे यहाँ पे मॉडल को दिखाएंगे हमारे शिक्षक विनोद कुमार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय आदि नगरी से। मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल बनाए हैं जिसमें बच्चे जो है प्लेवेट माध्यम से या लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखते हैं बच्चे। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मॉडल है हमारे पास विद्युत जनरेटर का, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक अंदर से इसमें पावर मैगनेट लगाए हैं और उसके बाहर से इसमें कॉपर वाइंडिंग कर रखी है, और इसमें हमने एक पुली के थ्रू ये सिस्टम बना रखा है जिससे इसको अगर ऐसे घुमा दें तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो चुंबकीय तरंग के द्वारा इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है और हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इसमें दूसरा मॉडल मैं दिखाना चाहूँगा सर, जैसे ये संतुलन का है, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर ऐसे बैलेंस करना चाहें तो ये नहीं होगी क्योंकि इसका पूरा का पूरा भार ऊपर है। इसके लिए हमने यहाँ पे युक्ति बनाई है, इसमें हमने एक तार लपेट रखा पेंसिल में, अगर मैं उसको अपनी उंगली पे पकड़ लूं तो संतुलित हो जाती क्योंकि इसका भार जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ गया, तो इस प्रकार से ये बीच में इसका संतुलन बिंदु आ गया। एक और मॉडल है संतुलन के, उस पर जैसे ये 10 किलो हैं, 10 किलो अगर मैं इस पर संतुलित करना चाहूँ तो इस प्रकार से एक पैटर्न बनता है किलो का। जैसे हमारे पुराने घरों में जो बल्लियाँ लगी होती हैं उसी के पैटर्न पर ये आधारित है। तो एक इस प्रकार से 10 किलो को जो है इसमें संतुलित किया जाता है, तो इससे क्या होता है इस प्रकार से 10 किलो एक इसमें संतुलित कर सकते हैं। तो इसका जो चारों तरफ इसका भार बराबर है और ये इस प्रकार से बैलेंस हो जाती है। एक छोटा सा मॉडल है ये बच्चों को पहाड़ी सिखाने का, पूरा ये गत्ते से बनाए वेस्ट मटेरियल से, तो बच्चे इसमें इजीली 4×4, 4×8, 4×12 इस प्रकार से अगर उनको पूछो भाई 4 नंबर कितना होता है तो बच्चा सीधा यहाँ पे जाएगा 4 नंबर 36। तो फन माध्यम से आप लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। एक और मॉडल हमारे पास ये सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का है और बच्चों में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि जो चीज़ हम डेली देख रहे हैं लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता दिन और रात कैसे होते हैं, कौन किसकी परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार से ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है। इसकी अगर गति की बात करूँ तो ये सूर्य के चारों चक्कर लगाता है जिसको परिक्रमा गति कहते हैं, जो 365 दिन की होती है। और दूसरा ये पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे घूमती है, जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पे दिन और ये पीछे वाला भाग यहाँ पे रात होती है। और चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है वो भी इसके चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के जब चंद्रमा आ जाती है तो इतने भाग पे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो ये सूर्य ग्रहण का हमको दर्शाता है। और घूमते घूमते जब ये जो है इसके पीछे आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है चंद्रमा पे, तो इस प्रकार ये चंद्र ग्रहण बच्चों को दिखाएगा। उसके बाद हम दिखाना चाहेंगे आपको चुंबक के जो सिद्धांत पे है कि अगर उसके समान पोल अगर सामने आते तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, तो इनके द्वारा हमने चुंबक के जो समान ध्रुव है जो सिद्धांत पे जो है ये चुंबकीय ट्रेन बनती है जिसको जापान में चलाया जाता है। तो इसके जो है इसका देखा एन पोल तो इसका भी एन पोल होगा। अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो ये पूरी हवा में है ये पेंसिल, और हल्की ये घूम भी लेती है, इससे ये दिखता है कि ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर ये फ्री होगी तो इसमें क्या होगा, इनमें घर्षण नहीं लगेगा। घर्षण नहीं लगने के कारण ये बहुत स्पीड से चलती है, इसकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलती है, जो अभी जापान ने इसका इनोवेशन किया है, अभी हमारे इंडिया में नहीं है। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय ट्रेन का मॉडल है। एक और मॉडल है हमारे पास पंछी पिंजरे में, जैसे इस तरफ ये पंछी दिख रही है और इस तरफ ये पिंजरा है। अगर मैं इसको बहुत स्पीड से चलाता हूँ
तो पंछी जो है इस बिल्ली के अंदर चली जाती है। इसमें दिमाग और आंखों का जो संतुलन है, क्योंकि आंखों का हमें सिर्फ फोटो भेजना और फोटो जो है वो दिमाग में जाती, तब दिमाग उसको क्लैरिफाई करता है कि ये किस चीज़ का है चित्र है। लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, एक चित्र दिमाग में जा नहीं रहा तब तक उसके बाद दूसरा चित्र जा रहा है, तो दिमाग हमको ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है किस चीज़ का चित्र है। और दोनों चित्र को आपस में मिक्स करके ऐसा लग रहा है कि पंछी जो है पिंजरे के अंदर है। एक और मोड है ये बिल्ली वाला, जो हमारे लिए सरल मशीनों का काम करता है। अगर मैं इसको बिना कुंडी के खींचना चाहूँ, बच्चों ने खींचा दिया हुआ, कुंडी के खींचता हूँ तो ये बहुत भारी लगता है मुझको। मैंने इसका वेट कम नहीं किया है और मैं इसको अगर कुंडी में डालता हूँ तो बहुत आसानी से, इस प्रकार से ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है। इसका उपयोग आपने क्रेन में देखा होगा, क्रेन में ये लगा होता है जो हमारे काम को बहुत आसान करता है। एक और पढ़ ली पिपड़ी का कबाड़ से जुगाड़ है। ये मैंने यहाँ बोर्ड मार्कर पे जो है दो गुब्बारे लगा दिए हैं, उनको एम सील से मैंने एयर टाइट कर दिया है और मैं इसको इसमें डाल देता हूँ और नीचे से मैंने गुब्बारा लगा दिया काट के, तो ये हमारा डायफ्राम बन गया। ये श्वास ले लिया और ये इसकी बकिंग करके दिखाएंगे, तो इस प्रकार से डायफ्राम नीचे होता है तो ये फेफड़े हमारे फूल जाते हैं और जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हमारे फेफड़े भी सिकुड़ जाते हैं। तो ये बहुत इजी मॉडल है, आप लोग बच्चे घर में इसको आसानी से बना सकते हैं और सीख भी सकते हैं। एक और मॉडल है हमारे पास गत्ते का सौर चूल्हा। इसकी मेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा गत्ते से बना रखा है और पीछे मैंने थर्माकोल लगा रखा है और अंदर से ब्लैक चार्ट पेपर और ये टिपे ने इसे भी काला रंग लगा रखा है, क्योंकि काला रंग जो है हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और सामने से मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा रखी है, जैसे हम इसको धूप में रखते हैं और ऊपर से इसको वायरोधी कर देते हैं और यहाँ से बाहर कर रखा है करके, तो कुछ प्रकाश इसमें डायरेक्ट जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होके जाएगा, अंदर इसमें जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारा खाना जो है कम से कम एक घंटे में बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सस्ता मॉडल है, बच्चे इसको खुद से बना सकते हैं। एक है A4 साइज पेपर से मैंने बना रखा है, इसका नाम है पेपर फ्लैक्सागर। हम खाद्य श्रृंखला के बारे में इसको बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे ये तितली है, तितली भोजन है मेंढक का, मेंढक भोजन है सांप का, सांप भोजन है और बाज का। तो इस प्रकार से ये रोटेटिंग मॉडल है, बच्चे आराम से खिलौने के माध्यम से उसके बारे में सीख सकते हैं। आगे और मॉडल है यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएँ। आज तक हमने ये चित्र सिर्फ किताबों में देखा था कि चुंबकीय बल रेखाएँ कैसे बनती है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे एक गत्ता लिया, उस पर इसको बाहर मैग्नेट को रखने के लिए स्पेस बना रखा है, ऊपर से मैंने एक पेपर लगा दिया है, पेपर के मैं ऊपर इसमें ये आयरन पाउडर है, अगर मैं इसमें आयरन पाउडर डालता हूँ तो इस प्रकार से हमें ये एक पैटर्न दिखाई देता है चुंबकीय बल रेखाओं का। तो इस प्रकार से बच्चों को ये चित्र ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद तो ये दिख रहा है हमेशा ये रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव पे ख़त्म होती हैं, क्योंकि चुंबक का जो सबसे ज़्यादा बल होता है वो ध्रुवों पे होता है और ये रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती है, उनका आपस में एक सिद्धांत है। और इन रेखाओं को यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन इस चुंबक का बल यहीं तक है तो यहाँ से इसका फोर्स खत्म हो गया, तो यहाँ पे इसलिए ध्रुवों पे ये रेखाएं ज़्यादा दिखती हैं। यहाँ से इन्होंने यहाँ जाना था इन रेखाओं ने, लेकिन यहाँ इसका फोर्स खत्म होने के कारण ये रेखाएं आगे नहीं बढ़ पाती, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। एक और मॉडल है हमारा सौर परिवार का, ये मैंने विभिन्न प्रकार के बॉलों से बना रखा है उनके आकार के अकॉर्डिंग और उनके ऑर्बिट के हिसाब से और सूर्य से उनकी कितनी डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और गुरु, तो सबसे नज़दीक है मरकरी। और इस प्रकार से ये वर्किंग मॉडल है, तो इस प्रकार बच्चे के अंदर बता सकते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, ये दिख भी रहा है और सबसे दूर का कौन है, वो जो कितना दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और जो कितना नज़दीक है उसको घूमने में सौर मंडल का सौर परिवार का मॉडल है।
बच्चे से आसानी से बता सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है और वो किस अपने अपने ऑर्बिट के बारे में। एक स्केलेटन सिस्टम बना रखा मैंने कार्डबोर्ड से, ये भी पूरा तो जैसे अक्सर मैंने बच्चों को ये चीज़ पूछा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो बच्चे अक्सर ये बताते हैं रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, लेकिन अगर वो सामने देखा इसको तो ये हमारी फीमेल हड्डी सबसे बड़ी दिख रही है और रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर ज्वाइंट बना रखा है जिससे पता चलता है कि ये हड्डी ज़्यादा बड़ी नहीं है और प्रत्येक ज्वाइंट में हमने यहाँ पर स्क्रू डाल रखे हैं जिससे बच्चों को पता चले कि हमारे शरीर में ज्वाइंट होने से क्या समझाने के लिए छोटा सा मॉडल है जैसे मैंने डक को बना रखा है उसमें जो है इसमें कटिंग करके इसमें ट्रांसपेरेंट शीट लगा रखी है तो जैसे सबसे पहले बच्चे को देखिए पिंक है फेस को हटा देता हूँ ये शीट को तो ये काला बन जाता है, काली शीट को हटा देता हूँ ये सफ़ेद बन जाता है, सफ़ेद को हटाऊँ तो ये पिंक बन जाता है, ग्रीन को हटाऊँ तो ये पीला। तो इस प्रकार से बच्चों के जो कलर के बारे में जो ज्ञान है उनका जो एक और मॉडल दिखाना चाहूँगा मैं कि वास्तव में आवाज़ कैसे पैदा होती है, क्योंकि आवाज़ हमको सिर्फ सुनाई देती है लेकिन आवाज़ का मतलब पैदा होना है वहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है, जब तक किसी चीज़ में वाइब्रेशन नहीं होगा तो आवाज़ पैदा नहीं होती, जैसे हमने देखा किचन के जब बर्तन गिरते हैं नीचे तो उनमें वाइब्रेशन होता है तो आवाज़ पैदा हो जाती है। इस प्रकार से मैंने एक मॉडल बना रखा है, ये बोतल को काट करके इसे मैंने गुब्बारा लगा रखा ऊपर से और आ गई बॉल पेन को काट के ये लगा रखा है, बहुत ईजी वे में। तो अगर मैं इस पर ऐसे हवा देता हूँ यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे देखो वाइब्रेशन नहीं होगा तो आवाज़ नहीं बन रही है, तो जब यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है तो आवाज़ पैदा हो रही है। तो इसी प्रकार से हमारी वोकल कॉर्ड है यहाँ पे ये भी उसी पैटर्न पे काम कर रही है, जब तक उसमें जो है तरंगी पैदा नहीं होगी तो आवाज़ हमारी पैदा नहीं होती, इस प्रकार से बच्ची बना सकते हैं।